कुंती फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बताएंगे पेटीकोट कटिंग, सबसे इजी तरीके से पेटीकोट की कटिंग करेंगे। तो पेटीकोट में हमें दो मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, एक कमर की और दूसरा लंबाई की। तो दो ही मेजरमेंट से हम पेटीकोट की कटिंग करेंगे। तो इसमें हमको ज़रूरत है इंची टेप, चॉक, सीजर। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, अच्छा से फुल वॉच कीजिए। और इस तरह का कपड़े को खोलना है, देखिए डबल फोल्ड ये है, अपने साइड फोल्डेड एरिया है। उसके बाद इस तरह का रखना है और सबसे पहले 5 इंच का मार्क बेल्ट कटिंग करेंगे पहले। तो 5 इंच का मार्क करेंगे, फाइव इंच करके मार्क लगा लें और इस मार्क को स्ट्रेट लाइन खींचना है। इस तरह का स्ट्रेट लाइन खींच लिए हैं। अब इसे बेल्ट को कट करके रख लेंगे हम। ये मेरी बेल्ट कट के रेडी है, इससे हम मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। ये है 17.5 यानी 18 इंच। तो इतना ही नॉर्मल में आती है। और उसके बाद हम करेंगे डोरी, जिसको बोलते हैं नारी। तो इसमें दोनों साइड कपड़ा को नहीं लेना है। इसमें हम 2 इंच कट कर रही हूँ, 2 इंच डोरी की लेंथ है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे स्ट्रेट करके फाड़ देंगे। तो ये मेरा नारे के लिए हो गया। अब इसे कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो 4 फोल्ड इसी तरह जैसे कि मार्केट से आते हैं समेटा हुआ, उसी तरह इसको मिलाना है और बस 4 फोल्ड करना है। यहाँ 1, 2, 3, 4, ये है मेरा फोल्डेड साइड और इधर भी खुली साइड है, इधर भी खुली साइड है। मेरा बंद साइड इधर ऊपर की साइड है, लेफ्ट हैंड की तरफ, और मेरी तरफ है बंद साइड। तो कपड़ा को इसी तरह का अच्छे से, कहीं भी सलवट नहीं रहनी चाहिए करना है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क लगा रही हूँ 5.5 इंच पे। नॉर्मल पेटीकोट में देखिए ये है 5.5 इंच। ओके, तो इसी के साइड में जस्ट इस कोने में लेना है 5.5 इंच ऐसे। और इंची टेप से अगर लाइन खींचना चाहते हैं तो इस तरह करके तिरछा में रखिए इंची टेप और लाइन खींच दीजिए ऐसे करके। और इंची टेप से अगर यदि पकड़ने में प्रॉब्लम होती है तो इसको डायरेक्ट इस तरह का पकड़ना है, दोनों को लाइन जो हम लगाए हैं 5.5 इंच में इस तरह करके फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद हाथ से थोड़ा प्रेस कर दीजिए तो इधर क्रीज आ जाती है, क्रीज बन जाती है। तो क्रीज बन जाती है उसी के ऊपर हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए ये देखिए मेरा क्रीज बन गई है। तो क्रीज के ऊपर हम निशान लगा लेंगे अच्छे से और कटिंग करेंगे। इस तरह का कटिंग करने से कहीं आपका कपड़ा एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए अब इसके ऊपर हम कटिंग करते हैं। वीडियो को भगा भगा के मत देखिए, पेटीकोट बहुत आसान होती है बनाने में और बन जाती है बहुत जल्दी ही। तो आप सब भी ट्राई कीजिए, कुछ सीखिए। और भगा भगा के वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा और सीख नहीं पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ देखते हैं तो ध्यान दीजिए उसमें और उसके बाद कुछ सीखिए। और ये वाली जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को हमें खोलना है और जहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे बताइए, मैं वहाँ पे फिर से। और इधर ये साइड भी जो ज्वाइंट है फोल्डेड वाला, इसे भी खोलना है ज्वाइंट को, इस तरह करके पकड़ना है और इस तरह करके खोल देना है। देखिए यहाँ पे मैं दोनों ज्वाइंट जैसे कट की थी वैसे का वैसे रखा हुआ है और मैं ज्वाइंट को खोल दी। अब इसको ऐसे करके कपड़ा को फोल्ड करना है इसके ऊपर। और ये जो कपड़ा जो 1/2 इंच जो इधर आ जाता है, ये कपड़ा को गोलाई में सेप देते हुए अभी इसको सेटिंग कर लीजिए कपड़े को। अभी कपड़े को सेटिंग अच्छे से करते हैं तो स्टिच के टाइम में कपड़ा नहीं छोटा नहीं बड़ा किसी भी तरह से नहीं होता है। और स्टिच के टाइम में अगर यदि इधर से बढ़ गया तो इधर काट दीजिएगा, उधर से बढ़ गया तो उधर काट देते हैं तो कपड़ा ख़राब हो जाती है, मोड़ने में भी प्रॉब्लम आता है। इस तरह का कपड़े को सेटिंग अब ये से करके रखना। अब इसे भी हम इस तरह का फोल्ड करेंगे और कमर के साइड सेटिंग नहीं करना है, सेटिंग करना है इधर नीचे साइड। तो इसे मैं देखिए घुमा के रख रही हूँ यहाँ पे,
इस तरह करके रखना है, और जो भी कपड़ा यहाँ पे निकल रहा है मेरा, बस उसी को हमको सेटिंग करना है, और बाकी पेटीकोट में कुछ भी करना नहीं होता है। और फालतू का वीडियो बढ़ा कर देने से अच्छा नहीं होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पेटीकोट कट के मेरा यहाँ पे रेडी है, और ये जैसे कि बड़ा वाला कलिया ये औरेब में है, तिरछा में, और इसको सीधा है, इस तरह करके इसको रखना है, उसके बाद सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई का तो वीडियो में बहुत सारा डाल दी हूँ, तो चैनल पे आप जहाँ जो पसंद है वो खोल के देखिए। ये है कमर पट्टी बेल्ट जिसको बोलते हैं, और ये है नारी का कपड़ा, और जिसको कमर पट्टी में छोटा पड़ जाता है तो उसको यहाँ से 10 इंच निकाल सकते हैं और जॉइंट कमर पट्टी में लगा सकते हैं। तो थैंक यू।